तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सिद्धार्थ। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो एक और नई स्कॉर्पियो से रिलेटेड वीडियोज आप लेके आ गए हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप हैचबैक चलाते हो, सेडान चलाते हो या इस टाइप की कोई गाड़ी चलाते हो, तो आप मतलब मोस्टली छोटी गाड़ियाँ चला लेते हो, लेकिन एसयूवी कैसे चलाई जाए, क्योंकि ये ड्राइविंग के ऊपर रहने वाली भाई, स्कॉर्पियो को कैसे चलाया जाए। कई भाइयों के कंप्लेंट थे या फिर मैसेजेस आ रहे थे कि भाई स्कॉर्पियो कैसे चलाते हैं, उस टाइप की वीडियो बनाओ। एंड कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे भाई आपको चलानी नहीं आती, या इस टाइप के कुछ कमेंट आ रहे थे। तो देखते हैं। तो अब बात करें स्कॉर्पियो की, अगर तो अगर आप एसयूवी की बात करते हो, तो सबसे पहले कि इसकी हाइट ज़्यादा मिलती है, तो इसके चक्कर में आप देख लो इस टाइप से आपको कुछ चढ़ना है। तो अगर आप बात करें यहाँ पे सीट की, तो आपको आपके पैर परफेक्टली पहुँचने चाहिए, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे लाइक ये परफेक्ट है मेरे लिए, तो ये एडजस्ट कर लेना है। तब बात आती है अंदर से, तो अंदर से बात की जाए नॉर्मल, ठीक है, तो अंदर से बात की जाए तो सिमिलर जैसे कि आपको नॉर्मल हैचबैक में मिलता है, एसयूवी मिलता है, उस टाइप का गियर नॉब मिलता है इसमें। तो ऐसा फ़र्क कुछ नहीं है, आप चाहे एसयूवी चलाओ सेडान चलाओ, बस थोड़ा इसमें रफ सा मिलता है और उनमें थोड़ा छोटा सा मिलता है, तो ये मतलब फ़र्क रहता है मेन। अब बात आती है स्कॉर्पियो की, तो ये कुछ इस टाइप से की लगानी है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुकी है। तो ये स्टार्ट हो चुकी है, तो जस्ट लाइक कि इस टाइप की कुछ ये मिलती है। अब बात आती है चलाते कैसे हैं। चलाने की बात की जाए तो सबसे पहले की सीट बेल्ट, ठीक है, सीट बेल्ट आपको लगा लेना है। तो सीट एकदम एडजस्टेड है, तो चलो। तो अगर आप स्कॉर्पियो चलाने की कोशिश करो, तो ये देखो स्टीयरिंग आपको नॉर्मल हैचबैक से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट हो जाता है, जस्ट लाइक मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब बात करें, तो ये कुछ इस टाइप का आर्म रेस्ट मिलता है, इस पर हाथ रख के क्लच को पूरा दबाया और ये थोड़ा रिवर्स, तो रिवर्स इस टाइप से कुछ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हैंड ब्रेक को डाउन कर दिया एंड रिवर्स गियर लगाया, तो यहाँ पे 6 गियर मिलते हैं। तो अगर चलाने की बात करें, तो नॉर्मली 5 गियर आपने हर बार देखा होगा कि ऐसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है गियर, सिक्स्थ मतलब रिवर्स की जगह यहाँ पे 6th गियर आ गया। अगर आप 6 गियर वाली गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पे ऐसे करके रिवर्स लगता है इसमें, तो इस टाइप से आपको कैमरा मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट गियर की, तो फर्स्ट में आपको जस्ट नॉर्मल गाड़ी आप चलाते हो वैसे ही फर्स्ट गियर लगाया, क्लच दबा के ब्रेक से पैर हटाया, स्लोली स्लोली क्लच छोड़ा, तो ये इस टाइप से स्लोली स्लोली क्लच को छोड़ा, तो ये गाड़ी चल जाएगी। अगर स्कॉर्पियो की बात की जाए या एसयूवी की बात की जाए, नॉर्मली इसी टाइप से चलती हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी अगर गाड़ी की बात की जाए, तो अब देखो आपको बिना एक्सेलरेशन के ये गाड़ी मतलब इनमें इतना पावर होती है, टॉर्क होता है, कि बिना एक्सेलरेशन के इस टाइप से चल जाती है। ये देखो इस मतलब कि अगर आप एसयूवी चला रहे हो, उसमें बॉडी रोल आपको फुल ऑन मिलेगा। बॉडी रोल तो आप नहीं बोल सकते उसे, मतलब ऐसे हिलना करना, मतलब ये चीज सस्पेंशन की मतलब आपको मिलेगा, क्योंकि आपको हैचबैक या सेडान में उस टाइप की फील नहीं होती, आपको एसयूवी में ये चीज फील होगी। बाकी अगर कोई बात करता है कि बॉडी रोल की, वो आपको मोस्टली 60 या 80 पे पता चलेगा भाई एक्चुअल में बॉडी रोल है या नहीं है गाड़ी में, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, तो ये देखो नॉर्मली आप ड्राइव कर सकते हो एसयूवी में, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा डिफरेंस, बस इसमें टॉर्क और पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप उसको आराम से चलाएं, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी अगर आपके पास है, तो आप समझ लो कि भाई आपकी गाड़ी में पावर तो होना तय है, और अगर पावर है तो आपको मतलब ध्यान से ना चलाओगे तो ये दिक्कत देने वाली है। तो यही कुछ नॉर्मल सा तरीका है चलाने का। बाकी आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे मोस्टली ध्यान रखना है, क्योंकि ये गाड़ियाँ हिलती ज़्यादा है, इस चक्कर में आपको थोड़ा सा इसको सेफली ड्राइव करना पड़ता है, ये देखो। बाकी हाँ, रस्तों का आपको ध्यान में मतलब कि रास्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ये कंफर्म है। आपको थोड़े बहुत ख़राब रास्ते वगैरह होते हैं, तो आप नो डाउट अच्छे से चला के निकाल सकते हो। तो यही है स्कॉर्पियो, और इसी टाइप से स्कॉर्पियो ड्राइव होती है। अगर आप नॉर्मल हैचबैक चला सकते हो, तो स्कॉर्पियो चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इस जस्ट लाइक की। अब बात आती है जज करने की, तो जज अगर बात आती है, तो इसमें मोस्टली आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कार्स में कैमरा मिल जाता है। बाकी अगर कैमरा नहीं मिलता, तो आप देख सकते हो इस टाइप से कुछ आपको रिवर्स करनी है, तो ये कुछ इस टाइप से चलती है, ठीक है।
तो यहाँ इस टाइप से कुछ चलानी पड़ती है, पर पावर इसमें कुछ ज्यादा मिलती है तो बी केयरफुल। तो यही कुछ है स्कॉर्पियो को चलाने का, बाकी कोई ऐसा अलग फंडा नहीं है। आपने हमारी एचबैक वाली अगर वीडियो देखी है उसमें अपन ने डिटेल में बताया है कि भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप उसको ही इस पे फॉलो करो तो ये गाड़ी इजीली आप चला सकते हो। ये देखो कितना इजीली गियर लग रहा है। बाकी हाँ इसमें ऐसा है सेकेंड हो चाहे थर्ड गियर हो आप एक्सलेट करके इजीली आप इसको पिक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो जस्ट लाइक, तो यही है स्कॉर्पियो का फंडा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग अर्जुन सुथार।